हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस, यानी कि जो सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रोवाइडिंग विद सैटेलाइट बेस्ड डाटा ऑन क्लाइमेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उन्हें प्रोवाइड किया जाए जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा होता है क्लाइमेट के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो अब देखिए, जहाँ पे जो आपको अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है, यानी कि जो बोल्ड में पार्ट दिख रहा है, आपको उसको सही करना है। जब भी अगर बात करें हम एम्स की बात करें तो एम्स का जो प्रोवाइड आता है तो हमेशा दो कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। एक तो आ सकता है या तो टू प्रोवाइड आ जाए, यानी कि हम इसका इन्फिनेटिव में यूज़ कर लें। द सेकेंड ऑप्शन इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो एट प्रोवाइडिंग ओनली, यहाँ पे विद नहीं आएगा, विद दोनों में नहीं आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो आप देखिए दोनों ऑप्शंस में कौन है, तो टू प्रोवाइड विद नहीं आएगा, एट प्रोवाइडिंग विद भी नहीं आएगा, यानी कि विद के बिना ही आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन फिट बैठेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। टू द प्रोविजन ऑफ नहीं रॉन्ग है, करेक्शन रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। तो आगे पढ़ते हैं, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एज इट कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली वे टू स्टडी द पास्ट। तो कहना चाहते हैं जो आर्कियोलॉजी होती है, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री की स्टडी होती है, वो क्या है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। यानी कि हम अंडर वाटर, यानी कि पानी के नीचे से क्या कर सकते हैं, जो स्टडी कर सकते हैं, ये तो हमारे पास काफ़ी अच्छा रास्ता है। बट ये क्या हो सकती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें टाइम बहुत लगेगा और साथ में कॉस्टली वे है पास्ट को स्टडी करने का। तो अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें तो एक अच्छी बात की जा रही है, बट दूसरे सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन किया जा रहा है। यानी कि ये बात अच्छी तो है बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो जहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन सेंटेंस आते हैं, तब जहाँ पे वो कंजक्शन यूज़ करते हैं वो कंजक्शन होती है हमारी बट। तो जहाँ पे बट नहीं आएगा बल्कि जहाँ पे आएगा सॉरी एज इट इट कुड भी नहीं आएगा बल्कि आएगा हमारा बट आएगा। तो अब देखिए, जो हमारा सेंटेंस चल रहा है वो चल रहा है सिंपल सॉरी प्रेजेंट में टेंस चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट ही आएगा, तो बट इट इज़ ठीक ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह की बात कर रहे हैं। यानी कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इस तरीके की ही होती हैं, तो वहाँ पर हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ईच गैलेक्सी इज सराउंडेड बाय अ जाइंट स्फीयर ऑफ डार्क मैटर मोर देन 10 times सो वाइड एज द विजिबल पोर्शन ऑफ द गैलेक्सी। यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है, जाइंट स्फीयर जो डार्क मैटर है उससे सराउंड की गई है, और कितनी ज़्यादा 10 times ज़्यादा है जो हमारा विजिबल पोर्शन है गैलेक्सी का, उससे ज़्यादा है। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, एक तो हमारा जाइंट स्फीयर डार्क मैटर का किससे ज़्यादा है, जो हमारा विजिबल पोर्शन है गैलेक्सी का उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा फिट बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए आप जो हमारा सो वाइड है यहाँ पे जो कंटेक्चुअली बिल्कुल रॉन्ग फिट बैठ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा द विड्थ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाइड है वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है हमारे नाउन की, तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ। क्योंकि आप बता दूं, जो वर्ड होते हैं जिनमें टी एच से एंड होते हैं वो हमारे किस में काउंट किए जाते हैं, नाउन में काउंट किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द विड्थ ऑफ, ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं,
स्टडीज हैव रिवील्ड व्हाट मोर इज द रीजन पीपल आर आस्क्ड टू कम अप विद इन अ स्पॉट ऑफ एन आइडिया द लेस वैल्यू दे अस्क्राइब टू ईच। क्योंकि स्टडीज ने क्या बताया है कि रीजंस क्या है जो पीपल हैं क्वेश्चंस पूछते हैं कोई आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें बताया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि दो हमारे पास क्लोज हैं, एक तो स्टडीज़ क्या रिवील कर रही हैं और साथ में उनका कंपैरिजन किया गया है। तो अब स्टडीज़ क्या रिवील कर रही हैं, जब भी हमारा कुछ ऐसा सेंटेंस आता है तब जब हम कंजक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे व्हाट की जगह क्या आ जाएगी, डैट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि हमारा क्या ऑप्शन आएगा, डैट वाला आएगा। तो आप डैट वाला देखिए, तो नो क्वेश्चन रिक्वायर्ड ख़त्म हो जाएगा, व्हाट मोर रीजंस भी नहीं आएगा, व्हाट भी नहीं आएगा। तो अब देखिए डैट मोर इज़ अ रीज़न नहीं, कनेक्चुअली फिट नहीं बैठेगा। तो डैट द मोर रीजंस पीपल आर आस्क टू, तो जो कंटेक्चुअली फिट हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन ही इज शॉर्ट ऑफ मनी ही अर्न्स अ लिटिल एक्स्ट्रा कैश ऑन बीइंग टोल्ड द फॉर्चून्स बाय यूजिंग अ पैक ऑफ टैरट कार्ड्स। यानी कि वो क्या करता है, जब भी उसके पास पैसों की कमी हो जाती है वो क्या जो लिटिल एक्स्ट्रा कैश है यानी कि कुछ पैसे कमाता है क्या करके, जो फॉर्चून्स यानी कि किसी की किस्मत बता के, जो टैरट कार्ड्स होते हैं ना जैसे ताश के पत्ते होते हैं उनसे कुछ लोग क्या करते हैं वो फॉर्चून टेलिंग का काम करते हैं यानी कि भविष्य बताने का काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं। यानी कि वो पैसा कैसे कमा रहा है, फॉर्चून बता के, मतलब फॉर्चून बता के वो पैसा कमा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, किस मीन से वो पैसा कमा रहा है, यानी कि जब हम किस मीन्स की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम बाय यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो हमारा आएगा सही बैठेगा बाय। तो अब देखिए बाय बीइंग टोल्ड फॉर्चून्स बिल्कुल भी नहीं, बाय टेलिंग फॉर्चून्स यानी कि वो फॉर्चून्स को बताने का काम करता है, बाय टेलिंग ऑफ द फॉर्चून ऑफ बिल्कुल कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है, ऑन टेलिंग फॉर्चून्स नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, द मोबाइल फोन्स नाउ आर डे यूज नॉट ओनली टू मेक कॉल्स और सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस बट टू ऑल्सो कैरी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं आजकल सिर्फ कॉल्स और मैसेज भेजने के लिए यूज़ नहीं की जाते बट जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो आपको पता होगा जो नॉट ओनली का पेयर है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जो नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बैठता है हमेशा फिट, बट ऑल्सो के साथ बैठता है। बट यहाँ पे हमें बट ऑल्सो की जगह क्या दे रखा है, बट टू ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स की पोजीशन है वो अच्छे से अरेंज नहीं की गई है। तो यहाँ पे हमारा सही बैठेगा बट ऑल्सो टू कैरी ऑन, बट ऑल्सो टू कैरी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, Scientists have estimated that millions of creatures living in water had been dying every year if they become entangled in plastic pollution or injustice. यानी कि साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स हैं वो क्या मर जाएंगे, जो पानी में रहते हैं हर साल मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, अगर जो प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक पोल्यूशन हम पानी में फेंक देते हैं, या तो वो उसमें फंस जाएँ या फिर उन्हें वो खा जाएँ, तो उसे क्या मिलियंस ऑफ क्या है जो क्रिएचर्स हैं वो मर रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे जो हमारा यूज़ किया गया अंडरलाइन पार्ट में, देखिए एवरी ईयर यूज़ किया गया है, एवरी ईयर का मतलब कि ये घटना हर साल हो रही है। यानी कि घटना जो चीज़ हर साल हो, यानी कि जो चीज़ हर डेली हो या फिर डेली मंथली हो, तो उसके लिए जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो हमेशा टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो अब देखिए, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स लिविंग इन वाटर एवरी ईयर इज डाइंग एज, नहीं कंटेक्चुअली फिट नहीं बैठ रहा, इसे आप बिल्कुल काट सकते हैं, हैज़ डाइड एवरी ईयर एज इफ, कोई इफ का कोई यहाँ पर इलॉजिकल है, डाई एवरी ईयर वैन, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, डाई एवरी ईयर वैन दे बिकम इंटेंगल्ड इन प्लास्टिक पोल्यूशन और इंजेस्टिड। वॉज डाइंग मैंने आपको बता दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। और यहाँ पर डाइस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है इसके हिसाब से, क्योंकि वर्ब यूज़ की गई हमारे क्रिएचर्स के लिए, क्रिएचर्स के हैं प्लूरल हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, डाई यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एज अ चाइल्ड
She was looking plainly, but now she has turned out remarkable pretty. यानी कि यहाँ पे देखिए idiom का यूज़ हुआ है, जो प्लेन लुक करने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल सी ऑर्डनरी लुकिंग करना, उसे बोलते हैं प्लेनली लुकिंग प्लेनली। तो यहाँ पे क्या कह गया, वो चाइल्ड थी, वो जब छोटी थी वो सिर्फ मतलब बिल्कुल ऑर्डनरी लगती थी, बट जैसे जैसे वो बड़ी होगी है तो अब क्या बन चुकी है, वो प्रिटी बन चुकी है, बहुत सुंदर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हम idiom का यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट में, तो was lookedly looking plainly wrong है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा फिट बैठेगा, एज अ चाइल्ड शी लुकड प्लेनली, यानी कि सिंपल पास्ट को हम यूज़ करेंगे लुकड प्लेनली, इज लुकिंग प्लेन नहीं, लुकड प्लेन नहीं, लुकड प्लेन, सॉरी लुकड प्लेन आएगा यहाँ पे, प्लेनली भी नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दे आस्क दैट हाउ मच लॉन्ग आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच, यानी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने जो हमारा कितने टाइम से फ्रेंच सीख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि डायरेक्ट स्पीच में। आपको पता होगा जब भी हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम डैट कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, वो रॉन्ग माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डैट को नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, दे आस्क हाउ फॉर हाउ लॉन्ग आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच, यानी कि मैं कितने टाइम से फ्रेंच को क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फॉर हाउ लॉन्ग आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यही था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।